मोरे राम ए भोले जोगिया जब होता अत्याचार धरती थाम सके न भार, तब तब महापुरुष कर होता है अवता। धरती पर पाप जब बढ़ जाता है तब पापी कुकर्मी कचमके सितारा, पशुवत व्यवहार करत आदमी नीलज बने, बहुवर बेटी कई इज्जत बिगाड़ा। मालिक के दया लाग संत रूप धारण किए, सारे सृष्टि के संतया के संवारा। तो राम कैलाश कहे बुद्ध जी जन्म लिए, चोर पापी अन्यायी ठग हारन को तारा। सुनने वाले मित्र, आप लोग महान हैं। एक महान आत्मा पैदा भई इस धरती पर, कवि को कहना पड़ा। तो धरती अमर गगन फूल गुलशन खिले, धरती अमर गगन फूल गुलशन खिले, फूल भंवरा मधुर गुनगुनाने लगे, धरती अंबर मस्तकू के कोयल मोर नाचत बन में, मस्तकू के कोयल मोर नाचत बन में, मस्तकू के कोयल मोर नाचत बन में। कपिल वस्तु के राजा सियो धन महान रहे, कपिल वस्तु के राजा सियो धन महान रहे, माया देवी पत्नी गुणों के बखान रहे। बहुत दिना के बाद पैदा एक लाल हुआ, बहुत दिना के बाद पैदा एक लाल हुआ, खुशी पर जा भई राजा कमन निहाल हुआ। खुशी में राजा साहेब दान लुटावे लागे, ब्राह्मण बिच्छु द्वारे जयकार मनावे लागे, ब्राह्मण बिच्छु जयकार मनावे लागे, ब्राह्मण बिच्छु जयकार मनावे लागे। भैया बड़ी खुशहाली मची, जन्म के सतै दिन माता क छुट गवा चोला, जन्म के सतै दिन माता क छुट गवा चोला, जन्म के सताए दिन माता जी का छुटी गवा चोला। मौसी ने पाल पोस के बड़ा किया भोला, मौसी ने पाल पोस के किया बड़ा भोला, मौसी ने पाल पोस के किया बड़ा भोला। सुनने वाले बड़े भैया, आप लोग तो स्वयं जानकार हैं, महान हैं। बच्चा पैदा भय, बड़ी खुशहाली मची, दान दक्षिणा बहुत
लुटावा के, लेकिन जन्म के सताए रोज माँ मर गई। माँ मर गई, दातार की कृपा मौसी ने पालन पोषण किया, फिर भी दुख या सुख दोनों बा, बच्चा हुआ सुख मिला लेकिन माँ मर गई तो दुख मिला। नाम सिद्धार्थ रखा बड़े प्यार से, होनहार लाल सुंदर दिखाने लगे। होनहार लाल सुंदर दिखाने लगे, होनहार लाल रूप सुंदर सुहाना सुहाने लगे। चंद्रमा के नारा लाल बढ़ने लगे, चंद्रमा के नारा लाल बढ़ने लगे, रूप सुंदर सुहाना सुहाने लगे, चंद्रमा के नारा लाल बढ़ने लगे। बहुत सुंदर लड़का जे देखत ते चर्चा करता, कीत स्वयं सूरत जैसे भगवान का लग रही है। कवि के लिखना परा टेरी के बोल, जेकर रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखा तिन तैसी। हाय बैरागी जीवन राम मेरे में, अरे बैरागी हो राम, बैरागी जीवन राम मेरे में, अरे गौतम बुद्ध महात्मा माया मोह के त्यागी, बैरागी जीवन राम में रमे। गौतम बुद्ध महात्मा माया मोह के त्यागी, बैरागी जीवन राम, गौतम बुद्ध महात्मा माया मोह के त्यागी, बैरागी जीवन राम में रमे। सुनने वाले बड़े भैया, सिद्धार्थ अपने बेटवा के राजा ने नाम लिखाया है, बुद्धि तेज रही बच्चे की, पढ़ाई में ध्यान लगाया है। आप लोग महान हैं, जानकार हैं, सारे नगर में चर्चा हो तक बच्चा ही तो बहुत पढ़ाई में तेज बा, बहुत अच्छा नंबर भी मिला। इसी तरह से कुछ रोज बिता, सिद्धार्थ सयान हो रहे हैं, 15-16 साल की उम्र होता तो कवि के कहना का बा, ऐसे ही कुछ दिन बीती गया, कुंवर का सुनो विचार, कहा सारथी रथ लैया हम खेलन चलब शिकार, बैरागी जीवन राम में रमे, अरे धरुणा बान लिए पहुँचे वन में बड़ भागी, बैरागी जीवन राम में रमे। जब पहुंचे जंगल में धनुष बांध लेहे और चढ़ाए धनुष, हरिना के मारे के चक्कर में पड़ गए। हरिना के देखे कुंवर जी साधत ही निशनवा राम, बगलिए चरत हिरनी देखाई रोवई भारी नैनवा राम, का भीख मांगता हरनी भीख का मांगता कुंवर बहादुर से, करुणा की भीख मांग गई कुंवर के समनवा हो राम, हमारे गरीबिनी के इकट्ठी सजनवा राम, हमारे गरीब के।
जावंत कुंवर सोचाई लागे अपने मनवा हो राम हत्या अब हम न करब हरिना के अब हम न मरब लावटे भवनवा राम नहीं मारे दयावंत कुंवर जब हरिना नहीं मारे तो एक मन में खुशी उठता कि वाह हमने बहुत बड़ी भूल करे जात रहे बहुत बड़ी गलती करे जात रहे दातार ने बचाया। अरे नहीं हरिना मारी तो हत्या लागत जीवन में दागी बैरागी जीवन राम बारे मालिक खूब बचाया नहीं तो हत्या लागत जिंदगी भर कहा जाई और हिरनी के शराप लागत तब का होता। बहुत दूर तक सोच रहे हैं महात्मा जी बुद्ध जी। महात्मा का अर्थ ही होत है जकरे आत्मा में प्यार की भावना हो उपकार की भावना हो और दूसरे के दुख में दुखी होना दूसरे के सुखी में सुखी होना। मेरे दोस्तों कहना है अब इतने में बहादुर कुंवर जी सिद्धार्थ जवान हो गए। अब राजा जी सोचत हैं का उनके पिताजी सिवोधन महाराज का सोचत हैं कि ऐसा न हो कि लड़का धार्मिक विचार के बा जोस्ती लोग बताए भी हैं कि बैराग बा ऐसा न करी कि इनकर शादी कई दे जब दुल्हन आई जाए तो कैसे घर छोड़ी ही यहीं पे थी तर्ज लगा तब भैया हाय गांव का तर्ज या कभों कभों माताएं बहनाएं गावा करती बड़े प्यार से गावत थी। कैसे शादी ब्याह में जब गावे लागत थी न तो बदरी या पाप हो लागत कि तरे नारी अरबा कबारी ऊपर शाम गे नाल गाई हमरे रामचंद्र विद्या के मेहरारू दोनों जने गंगा नहाए जात रहे ते पछे का कहत पणिलन महादेव से जब चलिन गंगा नहाए तो कहतन आव चली गंगा नहाई हो घोड़ैया मैलैल बा जाकी भागी रथी जी का है का हो आजकल घोड़ाइये पर चलबू न जत कोनो बेजाई बा तो औरतन का कहत है अरे बाबा पुराना फुट हरा जिन चबा गंगा नहाने से पाप कट जई है गंगा जाई है हमरे तोहर हो घोड़ाई आह मैली गांव के बोल में गंगा नहावे में कितना प्यार भक्ति व्या यही तर्ज में कहना है का कहना है
बेटवा क चढ़ी बा जवानी पिता उनके शादी रचाए। सिद्धार्थ लड़के कर दे शादी, सिद्धार्थ लड़के कर दे शादी। आई हैं बहु घर में मिली हैं यजादी, सुखवा में बीते जिंदगानी पिता उनकी शादी रचाए। भैया यही विचार बनवत हैं राजकुमार जी के पिताजी सुवोधन महाराज कि पतो हुआ जाए घरवाली नहीं ना कम से कम देखभाल दरबार का घर का करे और बड़ा अच्छा से जिंदगी बीते। शादी के करे संगे होता भैया कन्या यशोदरा रही गुण की खानी, सिद्धार्थ संगे में शादी रचानी, सिद्धार्थ पिता उनकर शादी रचाए। पिता कुछ रोज पैदा भए एक ललनवा, राहुल परा नाम लाल सोहै अंगनवा, राहुल परा नाम लाल सोहै अंगनवा, राहुल परा नाम लाल सोहै अंगनवा। झिम झिम बरसत बा पानी पिता उनकी शादी रचाए, राम मेरे में अरे माया मोह में फंस गए जीवन अपन लागी, बैरागी जीवन राम मेरे में बड़े भाई थोड़ी देर तक तो कुछ रोज तक तो माया के चक्कर रहा लेकिन रह रह के एक दर्द हुआ करे कि जिंदगी में उपकार करना और दूसरे के भलाई करना करना चाहिए, इसलिए कि माँ का भी भक्ति में प्यार था, पिता का भी भक्ति धार्मिक विचार के थे, तो होता है ना जेकर जैसा बाप होता है वैसे बच्चा बच्ची भी होते हैं, संस्कार तो पड़ता ही है। कबीर साहब तो कहा कि कहां कबीर सुनो सब कोई और चोर का लड़का चोरी हुई, चोर का लड़का चोर, डाकू का लड़का डाकू, साहू का लड़का साहू, भगत का लड़का भक्ति में अगुवाई कर रही थी। यही पे ठीक तर्ज आए एक दिना सिद्धार्थ कहत हैं सारथी से कि चलते कतो घूमा जात कहा चला, सारथी के संगे कुमार घूम नगरी में, सारथी के संगे कुमार
हाथी के संगे कुंवर घूम नगरी में। जैसे नगरी के बाहर जाते हैं अपने राजधानी के, एक ठी बुढ़ा आवता, सारा चमड़ा चुचकावा, आंखी घुसरी बा, डगडगा तो सर मुड़ी हिलता, चल नहीं पावता, कुबरी और लाठी डंडा के सहारे आवता। कुंवर का नजर जब पड़ी तो सारथी से पूछन तो ई का कहे बुढ़वा एक लाठी लेके मिला डगरी में। बुढ़वा देखो आखिया तो घुसुरी रहली चूचका बा चमड़ावा, आखिया तो घुसुरी रहली चूचका बा चमड़ावा। सारथी से बोले कुंवर देख लाग डरवा, सारथी ये बुढ़ा के ये कौन सा है, ये तो देख के हमको डर लग रहा है, चला रहा है सामने मेरे चला रहा है। सारथी कहना है कुंवर बहादुर ऐसा न सोचो, कहा यही दिन सब पर आए, यही दिन सब पर बीते, यह ठटरी में बुढ़वा एक लाठी लेके मिला डगरी। सारथी बोला सरकार बहादुर ए जिंदगी में सब कुछ देखे के पड़त, बचपना भी होत फिर जवानी होत फिर आखिर में यही दशा सबको होना है। और जे पहले संहार लेस जे जवानी साध लेस ओकर बुढ़ाई सध जात, जे जवानी नहीं साधे ओकर बुढ़ाई नहीं सध सका। ये बात सारथी बतियाता, कहे फिर यही सोच के जब घरे गए तो रात नींद नहीं लागता, रतिया में नींद नहीं सोचई अपने मनवा, रतिया में कुंवर नहीं कैलन भोजनवा, रतिया में कुंवर नहीं भोजनवा, रतिया में कुंवर नहीं भोजनवा। भैया खाना नहीं खाए चिंता हो गई, सोचत हैं नींद भी नहीं आवता। उनका रानी साहबा पूछत हैं कि आज खाना नहीं खाते हैं, कहें भूख नहीं है, कहें कुछ खा लीजिए, कहें बिल्कुल भूख नहीं है, पानी के प्यास नहीं है, आंखी में नींद नहीं आवता, उलझन है, क्या बात है, कहें क्या बताएं। इस सब जितना देखत है हमके सब झूठा लागता, बुढ़ाई आए ऐसे हमारो चमड़ा चुचके, झूठा ये रहन सहन ये रहना झूठी बखरी में।
बूढ़वा एक लाठी लेके नीला डगरी बूढ़वा एक राम में रमे सारी सारी रतिया आँखन लागी जागी बैरागी जीवन राम में रमे अच्छा कहे हाँ सारथी जितना कुछ बात हो बुद्ध जी सारथी से सब कुछ बतावा करें। सारथी के अर्थ हो था जैसे सारथी के काम कृष्ण भगवान के ही रहें, अर्जुन कोनो काम करें तो पूछे ही है ये। वैसे सारथी बहुत से लोग सोचे थे कि एक्का घोड़ा हाँकत है एक आ जाने, लेकिन एक्का घोड़ा हाँके वाला भी जानता है हमको कहाँ चलना है। रोज रोज सुनत सुनत बात समझ में आने लगती है। संगत से गुण होत है संगत से गुण जात, बांस फांस की मिश्री एक भाव विकार। इसलिए सारथी के उनके पिता तक की बात मालूम रही, उनकी माँ की बात मालूम रही, इसलिए पूछत हैं कि बात काया कहाँ चलो घूमे छोड़ो ये सब झंझट। मेरे दोस्तों चल दे आगे सारथी लेकर रथ पर बैठाए के तो कहना काबा एक तर्ज का नमूना भैया। कभो कभो गावा करती गांव में लोगन, अरे बैठ मोरे राम हो झूलानिया के छैया। अपने भाव में तो गौबई करती और जब भाव में औरतन गावे लागे थी तो एकदम एक दुख हट जाता है, सुख मालूम हो तो सुख के आनंद चल रहा है। कहत का है अपने गौनई में, सोनवा के थारी हम जेवना परोसा। बताऊं झूलनी के अर्थ कितना लग सकत है, आप लोग कितना लगा ले के हम नहीं बता सकत है, लेकिन झूलनी में तो सारा संसार झूलता। इसलिए जब धरती झूल रही है सूरज चांद सितारा झूल रहे हैं तो बचा कौन फिर बीच में। सभी झूल रहा है क्यों कम क्यों ज्यादा। अब झूलबे के अर्थ है आप कहां तक लगाई ही इतक स्वयं श्रोता महान होती समझे कि का झूलत है का गौनई में भरा बा। बीच में है बदे इतना आपके एक गांव के लोग गीत के बोल में राम के बात सुनावा है बदे कि ताकि कतो से उबियावन तो नहीं लागता। जब श्रोता गाना सुने में उबिया थी तो गाना समझ नहीं पाते, इसलिए चलाक गाने वाला थोड़ा थोड़ा मसाला देत रहता ताकि आपके नींद ओहाई न लग सके। और जौन चीज सुने और सुने तो घरे तक चर्चा करें, कहें कबीर सुने जब साधे और सुने और सधब नहीं कहे तो सुनब बेकार बतोहा। मेरे दोस्तों यही बात चिंता में सारथी पूछत हैं कि आप उदास बहुत है राजन, तो कुमार जी कहत का हैं कि का करी राम हम दुनिया में आई के। राम हम दुनिया में आई के।
क्या करी राम हम दुनिया में आए के कवन करी काम आखिर हीरा तन पाए के कवन करी काम आखिर हीरा तन पाए के कवन करी काम आखिर हीरा तन पाए के लख चौरासी में भटका खाए लख चौरासी में भटका खाए लख चौरासी में भटका खाए दया लाग मालिक हमके आदमी बनाए मित्र बड़ी एक चिंता के विषय बनी बाटे राम सुमेर जी वाह इसलिए चिंता बा कि जब आदमी के समझ आवत तब चिंता बनत और जेकरे समझ नहीं रामचंद्र चिंता नहीं बन पावो आप लोग स्वयं जानकार हैं अब चिंता के विषय बनी बा कि हम हीरा तन पावा लोग कहते 84 लाख के बाद नंबर मिला बा अब हमें करे का चाहे इतना सोचत विचारत जब नगरी के बाहर जात हैं तो देखत का हैं लास लेके जात रोग रहले असमासानावा लास लेके जात रोग रहले अरे भैया सारथी सारथी भैया ई का जाता कहां कहां का लेके लोग जात हैं कि राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है अब मुर्दा के संगे सत्य असत्य का पता बा कहां लोग सत्य का कह रहे हैं कहां राम नाम सत्य कह रहे हैं कहां सत्य कौन है अब यही जगह पर उनके और झटका लगा था कहे सत्य का है कहे वे तो नहीं मालूम है सारथी बोला कि महाराज ये बात तो नहीं मालूम भाई तब वही से पूछ ज्ञानी लगिया बुलाई के का करी राम हम ए मानवता न पाए के का करी राम हम जो राम नाम सत्य करते हैं 200-250 आदमी कहे भाई का राम नाम सत्य करते हो का है कहे महाराज ये आदमी था इसकी बोल बंद हो गई ये खत्म हो गया कहे हाँ ये खत्म हो गया कहे हाँ कहे हाँ महाराज इसकी बचपना बीत गई जवानी बीत गई बुढ़ाई नहीं बीत सकी खत्म हो गया यही बात सब कहने लागे सुन ले कुंवर ध्यान लगाई बड़े बारीकी से जेके जमन मालूम बताऊं नहीं तो बताए कहां ये माटी का काया जीवन ये माटी में मिल जाई रे बैरागी जीवन राम में रमे तब सिद्धार्थ कहते हैं कि अरे कुंवर बहादुर कहा कि फिर मुक्ति कैसे होए कहां मुक्ति महाराज लोगन से सुने है मुक्ति के पता तो नहीं ना लेकिन इतना सुने है कि जब राम का दर्शन पौबे बन बे हरि अनुरागी बैरागी जीवन राम में रमे हरि अनुरागी बैरागी जीवन राम में रमे
प्यारे दोस्त, ये गाना के बदे कई जने का सुपारस चला। कई जने कहन कि भाई साहब बिहार में दास गाना गावे के बहुत विचार दे हैं लोग कि महात्मा बुद्ध के यह गली गली में गांव गांव में चर्चा व गीत नहीं बनाए आप कैसे करने, हम का जरूर बनाएंगे। जगन्नाथ प्लास्टिक वाले बहुत विनती कहे कि गाना जरूर लिख देना और लिख देना तो कैसेट भी करा देना। उनकर भी बात हमने माना जगन्नाथ जी यादव को। मेरे दोस्तों दुई लाइन आल्हाबा होत का बा, जब लौट के घरे आए तब नहीं बर्दाश्त होता। हाय अरे रतिया में छोड़ चले लाल जनवा सारथी करथिया पर बैलनिया सब घंटा दो घंटा का समय बीती गई अपने राजधानी के हो गए पास। सारथी से बोले कुंवर लवट जा भवनवा करबत पे चाहम जंगल के मझार बोला सारथी जब कुंवर से बयानवा कैसे कर राजा हम जाई दरबार अरे राजा पूछे लगी जब आप वाली बतिया कौन उत्तर देव जब पूछिए बहुआर बतिया सुनती लटगनवा पहुंचे तू न भालगो नदी के किनार छह साल दिन वहां बिताए नदिया पर गौतम नाम वही पर तू नदी लदार सतगुरु राम जी से होई गई दरिया पाए जब दीदार आगे का कहानियां सुना मोरे बीमितवा भगतन ककिए बाबू सुना उपकार अरे भगवान बन गए लोग भगवान कहे भगवान बन गए बदले मानव का बिचारवा भगवान बन गए अंगुली मल डाकू एक रहा खुंखार उत कह आदमी मारब हम 1000 पहिरब अंगुरी कहरवा अज्ञान बन गए। एक दिना गौतम बुद्ध से और अंगुली मल से होई गई दीदार मचाए रहा जंगल में सुना हाहाकार दावड़ा लईका कटरवा अज्ञान बनी गए। वही समय में हंसा महात्मा बुद्ध ने का बात है। तब अंगुली मल बोला कि हमके लोग देख कर घबराते हैं हाथ जोड़ते हैं लेकिन ये आदमी हंस रहा काही हंस रहे हो कहीं हंसते हैं बते है कि हम इतना दिना से तपस्या भक्ति करते हमार कैसे उपकार होए कैसे उद्धार होए और सोचत है तू इतना हत्या करते तो हार का होए। वह गिर गए चरण पर पटका का परवा अज्ञान बन गए। वही समय में ज्ञान दिए चोरी और चमारी द छोड़ी हमारे भाई
सदा सच बोल अहिंसा अपनाई बदलाया अपन तू बिचरवा महान बन गए। छूत भेद भाव दिल से मिटाव सदा सच बोल अहिंसा अपनाव कैले सबसे व्यवहारवा भगवान बन गए। चोर अन्यायी डाकू तक के ज्ञान दिया तरामहित गुरु चंद्रमणि जी कविता लिखते भारी। अरे राम कैलाश गायन में हुआ बाबू निरंकारी बैरागी जी मन राम में रमे सतगुरु निरंकार जी दिया स्वरी और रागी बैरागी जीवन राम में रमे।